हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फॉर टुडेस वीडियो मैं आपके लिए आजियो हॉल लेकर के आई हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ आजियो से कुर्ता सेट शेयर करने वाली हूँ, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में कुर्ता सेट्स हैं जितने भी मैंने पिक करे हैं। सो इफ इन केस आपको वीडियो हेल्पफुल लगे एंड आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरीके के हॉल वीडियोस लाती रहती हूँ अपने चैनल पर। एंड इससे पहले मैंने 2-3 आजियो हॉल्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, एंड मैंने आजियो का अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, सो आप वहाँ से जाकर के सारे हॉल्स चेकआउट कर सकते हो। एंड इससे पहले मैंने एक फुटवेयर्स हॉल भी शेयर करा हुआ है, इफ़ इन केस आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप चेक कर लेना। सो गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आपको पिक्चर, प्राइजेस एंड ट्राई ऑन सारा कुछ स्क्रीन पर मेंशन होता जाएगा। सो द फर्स्ट कुर्ता सेट दैट आई हैव दिस वन, जो कि पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ है। ब्लैक कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई मैंने ये पिक करा, एंड ये कुछ इस तरीके से रिसीव होता है हमको। दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये राउंड नेक है, प्लस आप देख सकते हो ये एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी करी हुई है, एंड इसका फैब्रिक है खादी कॉटन टाइप में, सो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगा एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। इसका लेंथ आप मेरे ऊपर देख सकते हो, मेरी हाइट 5'2" है, सो उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। एंड ये इशीन ब्रांड से, एंड इशीन के काफ़ी सारे कुर्ताज मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो मिस कर दिया हो तो वो चेक कर लेना, एंड 3-4 स्लीव्स में मिल जाता है, काफ़ी कलरफुल है। सो इसके साथ आप कोई भी दुपट्टा वेयर कर सकते हो जो इसमें मतलब मैच कर जाए उस तरीके से। ये बटन डिटेलिंग नहीं है, ये जस्ट एक सीक्वेंस क्या बोलते हैं स्टड्स टाइप के लगाए हुए हैं, ये स्टिच्ड नहीं है, ये जस्ट चिपके हुए हैं ऐसे ही, एंड ये कुर्ता साइड स्लिट के साथ आता है, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। आपको ये ट्रांसपेरेंट लग रहा होगा बट ये पहनने पर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं लगता है, क्योंकि डार्क कलर है ये, एंड इसके अंदर आप देख सकते हो जितने पार्ट में एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है उतने में आपको लाइनिंग भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि वो आपको चुभे ना। सो कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, बट ब्लैक कलर है, सो आई गेस थोड़ा सा ब्लैक कलर समर्स में प्रॉब्लम देता है, बट कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, एंड कॉटन का है, सो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। एंड इस तरीके से हमको इसका मास्क देखने के लिए मिलता है, ये जस्ट इसके बॉटम जैसा ही है। नाउ इसका जो बॉटम रिसीव हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड ये आपको बेल्ट डिटेलिंग मिलती है, प्लस हाफ इलास्टिकेटेड है, एंड इसमें मैंने एक्सल साइज लिया है, और आप देख सकते हो इसका भी फैब्रिक बिल्कुल खादी कॉटन वाला ही फैब्रिक है, दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड नीचे आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, ये कोई प्रिंट नहीं है, ये सारा एम्ब्रॉयडरी है, एंड इतने पार्ट में ही आपको इतना डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। सो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एंड इसका जो ये बॉटम है ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, सो दैट आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा इसको वेयर करने में। एंड इसका जो कुर्ता है वो मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, बट मुझे इसका बॉटम बहुत ज़्यादा सही लगा, परफेक्ट लगा फिटिंग में। सो आप भी अगर साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप वेयर करते हो तो आप एक्सल साइज़ ले लेना, कुर्ते का फिटिंग तो आप कर लोगे, बट अगर बॉटम में फिटिंग अच्छा नहीं आया तो मज़ा नहीं आता है। ये ऑफ वाइट कलर है, कैमरे पे आई गेस ये वाइट जैसा दिख रहा है, बट ये ऑफ वाइट कलर है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सो गाइज, जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये वाला मेरा भी फेवरेट है, एंड मुझे इस तरीके के कुर्ता सेट्स काफ़ी पसंद आते हैं। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं ब्लैक कलर, बेज कलर, वाइट कलर, ऑब्सेशन है मुझे इन सारे कलर्स से। सो गाइज, इसका पिक्चर आपको दिख रहा होगा जिस तरीके से रिसीव हुआ है, एंड जैसा दिख रहा था एज इट इज़ पिक्चर में वैसा ही आया है। एंड गाइज, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, अवासा मिक्स एंड मैच से है, एंड अवासा मिक्स एंड मैच के मैं ऑलरेडी बहुत सारे शेयर कर चुकी हूँ। सो इस तरीके से आपको पूरे कुर्ते पर एम्ब्रॉयडरी देखने के लिए मिलती है। इसे मुझे 1100 समवेयर अराउंड मिला है, एंड 1100 के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी एंड जॉर्जेट फैब्रिक में आपको इस तरीके के कुर्ता सेट्स 2000 रुपीज़ में देखने के लिए मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड ये वाइट कलर से आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है, एंड मतलब लुक बहुत ज़्यादा अच्छा दे रहा है, इसके लिए मुझे तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा अमेजिंग है ये। एंड सीक्वेंस लगे हैं बीच बीच में, ये सारा आपको जैसे लखनवी कढ़ाई वाला वर्क होता है ना, उस तरीके से थ्रेड वर्क है, एंड ये आप स्लीव्स पर देख सकते हो इस तरीके से डिटेलिंग है। एंड गाइज, ट्रस्ट मी, ये वाला कुर्ता सेट मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, एंड इसका मुझे साइज़ एकदम परफेक्ट आया है। इसमें मैंने 97 सेंटीमीटर मतलब एल साइज़ पिक करा है, एंड पीछे आप देख सकते हो प्लेन है, एंड ये कुर्ता सेट ए लाइन में है, बट आपको इसमें फ्रंट स्लिट मिल जाता है हल्का सा, मतलब थोड़ा सा। एंड ये वाला कुर्ता सेट काफ़ी ज़्यादा रिच लुक देता है, आप इस तरीके के कुर्ताज को ना काफ़ी लग्जूरियस स्टोर्स में देखोगे, एंड इस तरीके का वर्क होता है उस पर, एंड ट्रस्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड ये बटन डिटेलिंग है,
तो इसकी हमको बटन डिटेलिंग इतनी ही देखने के लिए मिलती है। एंड आपको ये कैमरे पर भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। एंड अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ये वाला पिक कर लेना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है आजियो पर। एंड अगर आप इनमें से किसी भी कुर्ता सेट्स को पिक करो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। नाउ इसका जो बॉटम रिसीव हुआ है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, एल साइज़ में मिलता है एंड फुल्ली इलास्टिकेटेड है। एंड कैमरे पर आपको ये लाइट कलर में दिख रहा है ना, बट आप पास से देख लीजिए इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल भी कैच नहीं कर रहा है, बट जो इसका कलर है ना वो जो कैमरे पर दिख रहा है उससे थोड़ा सा डार्क है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर ये कहीं पर सही से शूट हो रहा होगा तो मैं उसका क्लिप लगा दूंगी जो एग्जैक्ट कलर होगा। तरीके से आपको लेस डिटेलिंग मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा पजामा टाइप फुल्ली इलास्टिकेटेड है एंड एल साइज़ मुझे एकदम परफेक्ट आया है। एंड इसमें कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है इसको ख़रीदने का, एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, ट्राई ज़रूर कर लेना। इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ऐसा कुर्ता सेट लग्जूरियस स्टोर्स में ही देखने के लिए मिलते हैं। सो गाइस नाउ नेक्स्ट अप आई हैव दिस टाइप ऑफ सेट। सो ये कुछ इस तरीके का रिसीव हुआ है मुझे, देख सकते हो आप। ये भी मैंने आवासा मिक्स एंड मैच से लिया है एंड इसमें मैंने साइज़ लिया है XL एंड ये मुझे इतना ज़्यादा लूज़ हुआ है ना। सेम ब्रांड से आप साइज़ में देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। एक का साइज़ मुझे सही आ रहा है और एक का साइज़ आप मतलब थोड़े से ही साइज़ में ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है वासा मिक्स एंड मैच के कुर्ता सेट्स। आप इसका L साइज़ लेते हो तो शायद आपको ये परफेक्ट आए, और XL साइज़ लोगे आप तो इतना बड़ा आ जाएगा। तो इस ब्रांड के साइज़ में थोड़ा बहुत इशू देखने के लिए मिलता है। एंड ये राउंड नेक है, प्लस आपको यहाँ पर बटन डिटेलिंग मिल जाती है। इस तरीके का जो पैटर्न बना है बटन डिटेलिंग के लिए वो पूरा नीचे तक है। एंड आपको इसमें फ्रंट स्लिट देखने के लिए मिलता है, प्लस इसके अंदर आपको लाइनिंग देखने के लिए मिलती है। एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था, सो आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, इस प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी भी करी हुई है, प्लस ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। मतलब प्राइस वाइज टोटली वर्थ बाइंग होती है वासा मिक्स एंड मैच के कुर्ता सेट्स। मैं काफ़ी ज़्यादा शेयर करती हूँ, अगर आप नहीं देखते हो तो देख लिया करो, क्योंकि वासा मिक्स एंड मैच में पैसे लगाना मतलब टोटली पैसे वसूल करना है। स्लीव्स आपको 3/4 मिल जाती है एंड स्लीव्स पर इस तरीके से डिटेलिंग है, दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड पीछे आपको ये प्लेन मिलता है। लेंथ आप मेरे ऊपर देख ली, मेरी हाइट 5'2" है, मैं फिर से बता रही हूँ। एंड इसमें आपको कोई पॉकेट नहीं मिलता है, प्लस इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा अच्छी करी हुई है। सो मतलब जितना आप पे कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी काम करा हुआ है एंड फैब्रिक वगैरह सारा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ट्राई ज़रूर करना। इसके साथ हमको जो बॉटम मिलता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसका फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये हाफ इलास्टिकेटेड है एंड आगे से आपको इसमें बेल्ट देखने के लिए मिलता है एंड इसका भी फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट आया है। एंड ये आपको सिगरेट पैंट काइंड ऑफ लुक में देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से डिटेलिंग है। सो पूरे में आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के लिए मिलती है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड ये खादी कॉटन टाइप में फैब्रिक है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है वेयर करने में। एंड इसमें आपको कोई पॉकेट देखने के लिए नहीं मिलता है एंड इसमें मैंने साइज़ XL लिया है एंड इसका कुर्ता काफ़ी ज़्यादा ढीला है बट इसका बॉटम काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। सो फिटिंग कुर्ते की आप इजीली कर सकते हो क्योंकि हर जगह से लूज़ नहीं होता है इनका, इनके जो कुर्ता सेट्स होते हैं वो हर जगह से लूज़ नहीं होते हैं। जस्ट इनका जो कुर्ता सेट का प्रॉब्लम जाता है ना वो इस एरिया से आपको फिटिंग करना पड़ता है, अदरवाइज़ पूरी फिटिंग एकदम सही होती है। सो गाइज दैट्स ऑल इस वाले हॉल वीडियो में, मैंने आपके साथ यही 3 कुर्ता सेट्स शेयर करे। एंड आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा कुर्ता सेट पसंद आया। मुझे तो सेकंड वाला एंड फर्स्ट वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड आप अगर कोई कुर्ता सेट इनमें से खरीदते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मैं इसी तरीके के कुर्तास लाती रहती हूँ अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करने के लिए। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो पर और कौन से हॉल वीडियोज़ आपको देखना है, सो डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।